न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के चुनाव को लेकर एक बार फिर संस्कार विकास पैनल के अध्यक्ष सतीश कुमार गंगराड़े और आदर्श पैनल के अध्यक्ष अजय कुदेसिया के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कुछ महीने पूर्व अजय कुदेसिया ने रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं में चुनाव में की गई गड़बड़ी को लेकर आपत्ति लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि 3 मार्च 2015 को हुए चुनाव के लिए आदर्श, संस्कार और युवा शक्ति पैनल मैदान में उतरी थी। इसी दिन मतपत्रों की गणना कराई गई, लेकिन चुनाव अधिकारी ने परिणाम घोषित करते समय नियमों का पालन नहीं किया। इसके चलते मतपत्रों में हेराफेरी कर सतीश कुमार गंगराड़े न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। कुदेसिया ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी सीबी शर्मा ने वर्तमान अध्यक्ष के पक्ष में रिपोर्ट बना दी थी। इस आपत्ति के बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार मंगला पुरकाम ने मामले की दोबारा जांच की, जिसमें पाया गया कि चुनाव में धांधली हुई है। ये बैठक 3 मार्च 2015 को जो चुनाव संपन्न हुए उसका जो जांच थी, उसके रिपोर्ट जो आई है उसके तहत हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई थी। जांच के अंदर दर्शाया गया है कि जो चुनाव संबंधी जो डेट है उसको निरस्त किया है और उनने कहा है कि ये चुनाव निरस्त किए गए और जो चुनाव है वो उपरोक्त नियमावली के तहत मतलब जो हमारी नियमावली है और संस्था के जो सदस्य हैं उनके बीच पुनः कराकर रजिस्ट्रार सोसाइटी को सबसे करना है। हाँ, डिसीजन आना बहुत लंबा वक्त लगे, क्योंकि जो जांच कर रहे थे बीच में मिस्टर शर्मा जी वो पार्टी से मिल चुके थे और उनके द्वारा जांच आई थी, गोलमाल रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मैंने उनकी खुद की जांच करवाई थी, मैंने कहा ये गलत रिपोर्ट आई है, आप पुनः जांच करिए। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने अपने हाथ से पुनः जांच की, उसके तहत ही परिणाम आए। गौरतलब है कि न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ चुनाव में धांधली की शिकायत के दौरान जांच अधिकारी को वर्तमान अध्यक्ष ना तो संस्था का रिकॉर्ड दे सके और ना ही उनके पास चुनाव का कोई रिकॉर्ड था। जांच के बाद रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ने चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।